तो बने हैं ना ये मोमोज एकदम स्ट्रीट स्टाइल। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज स्टीम्ड मोमोज, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल मोमोज। तो आप मेरी रेसिपी से एक बार मोमोज बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत ईजिली बन जाएगा, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का भी यूज़ नहीं करेंगे हम। तो सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग बना लेंगे। स्टफिंग के लिए एक मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट लिया है, एक छोटे गाजर को घिस लिया है और एक से दो टेबलस्पून धनिया ली है चॉप कर ली है और आधी छोटी कैबेज को चॉप कर लिया है। आप इसके अलावा अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल या फिर पनीर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी, आप चाहो तो ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करूँगी, अराउंड 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 2 टीस्पून और विनेगर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हमें चाहिए होगा सॉल्ट टू टेस्ट और कुक करने के लिए हमें चाहिए 2 टेबल स्पून ऑयल। साथ में हमने लिया 1 टीस्पून जिंजर, इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा वरना टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो चलिए अब सबसे पहले स्टफिंग प्रिपेयर कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने एक पैन गरम करने के लिए रख दिया है। तब मैं इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ और इसे गरम होने देंगे। तो ये अब हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया है, तेल गरम हो गया है, इसमें हम ये जिंजर डाल देंगे। अगर आप हरी मिर्ची प्रेफर करते हो तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डाल सकते हो इस स्टेज पे। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे जिंजर को, अनियंस डाल देंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट फ्राई करेंगे। तो अब हम इसमें ये गाजर डाल देंगे 1 मिनट प्याज को पकाने के बाद। तो गाजर को भी हम 1 मिनट पकाएंगे। स्टफिंग बहुत तरीके से बनती है, आज मैं कुक्ड वाली इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हम कैबेज का यूज़ करते हैं और कैबेज को रॉ प्रेफर नहीं करती मैं, इसलिए मैं। तो अब हम इसमें कैबेज और धनिया दोनों डाल देंगे। तो अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल देंगे। इसमें सॉल्ट हल्का सा कम डालेंगे क्योंकि हम इसकी कवरिंग में भी सॉल्ट डालेंगे और चटनी में भी सॉल्ट है जो हम इसके साथ सर्व करेंगे। और साथ साथ अभी हम इसमें सोया सॉस डालेंगे, उसमें भी सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट थोड़ा सा ध्यान से डालिएगा। तो अब आप देख सकते हो हमारी स्टफिंग बहुत अच्छी दिख रही है, पर ये अभी रेडी नहीं है। अब मैं इसमें ये गरम मसाला डाल रही हूँ, आप इसकी जगह ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हो और अगर आप अजीनोमोटो खाते हो तो वो भी आप डाल सकते हो। तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून विनेगर डाल देंगे। अब हम इसमें ये सोया सॉस ऐड कर देंगे। तो अब हम इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारे जो भी हमने सीजनिंग्स डाली है वो अच्छे से मिल जाए। तो अब बस हमारी स्टफिंग रेडी है, बस 3 मिनट हम इसे 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि जो वाटर है जो आप देख सकते हो ये इवेपरेट हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जो हमारे मोमोज हैं वो शेप करते वक्त फट जाएंगे और साथ साथ हमारे मोमोज सॉगी भी बनेंगे, तो इसे ये स्टेप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारी स्टफिंग बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है, ये देखिए इसका सारा पानी सूख गया है। तो बस गैस बंद करेंगे और इसे साइड पर रख देंगे। तो मोमोज़ का आटा लगाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं घर में बिना स्टीमर के मोमोज़ कैसे स्टीम करने वाली हूँ। स्टीमर सेटअप मैंने यहाँ तैयार किया है, तो ये देखिए यहाँ एक गंजी है जिसमें मैंने आधा उसको पानी से फिल किया है। ध्यान रखिए जिसमें हम मोमोज़ रखेंगे उस बर्तन को पानी टच नहीं करना चाहिए, तो पानी नीचे रहना चाहिए। और यहाँ मैंने एक छन्नी रखी है जिसमें हम मोमोज़ को स्टीम करेंगे। तो आप ऐसा कोई भी बर्तन का जुगाड़ कर सकते हैं घर पे जिसमें आपको लगे कि आप मोमोज स्टीम कर पाओगे। तो आप इसमें बटर पेपर लगा सकते हो, उसमें हल्के हल्के टूथपिक से छेद कर दीजिए ताकि स्टीम मोमोज तक आए। और फॉइल पेपर में भी आप सेम ऐसा कर सकते हो, बटर पेपर और फॉइल पेपर दोनों में से किसी का यूज़ कर सकते हो। या तो फिर आप ऐसे जो कैबेज के लीव्स रहते हैं ऊपर के, उन्हें फेंकने की बजाय आप उन्हें अच्छे से वॉश कर लीजिए और ऐसे सेटअप कर दीजिए। तो हम इसके ऊपर मोमोज़ को रख के स्टीम कर सकते हैं
और ये हमें हर बार मोमोज को स्टीम करने के बाद चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप एक बार लगाइए और बहुत बार आप इसमें मोमोज को स्टीम कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सेटअप दिखा दिया, तो अब हम मोमोज का आटा लगा लेंगे जल्दी से। तो ये स्टिफ डो रेडी हो गया है, ये देखिए ऐसा होना चाहिए डो ऐसा, पर ये अभी हल्का सा स्टिकी है। तो हम क्या करेंगे, 1.5 टेबल स्पून ऑयल लेंगे और अच्छे से मसाज करेंगे। यहाँ 5 से 6 मिनट मसाज करना बहुत ज़रूरी है, तभी मोमोज अच्छे बनते हैं। तो हम इसे मसाज देंगे अच्छा सा। तो ये हमारा आटा एकदम रेडी है और ये एकदम अच्छे से तैयार हो गया है। तो बस अब हमें क्या करना है, इसे एक डैम्प क्लॉथ या फिर बर्तन से ढक के इसे थोड़ी देर रेस्ट करना है, मैक्सिमम आधा घंटा। टाइम नहीं है तो 15 मिनट भी कर सकते हो, पर रेस्ट ज़रूर देना, नहीं तो मोमोज अच्छे नहीं बनेंगे। तो हम इसे रेस्ट करने देंगे थोड़ी देर। तो यहाँ हमने मोमोज के आटे को रेस्ट दे दिया है। तो अब हम इसे एक छोटे लेमन के साइज़ की जितना डो लेंगे और बेल लेंगे। ये देखिए ये करीब 2 ग्राम डो है जिसे फ्लावर लगा के सूखा बेल रहे हैं। और फिर इसके बाद मैं आपको 4 तरीके से मोमोज को कैसे फोल्ड करते वो भी बताऊंगी। यहाँ मैंने स्टफिंग भी रखी है। तो यहाँ मेरी मम्मी इसे बेल रही हैं और मैं यहाँ पे मोमोज की फोल्ड करूंगी। इसी तरीके से हम सारी मोमोज की शीट को बेल लेंगे। ध्यान रखिए बीच से थिक होनी चाहिए और एजेस से पतली होनी चाहिए। बीच से थिक होना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो स्टफिंग फट के गिर जाएगी। और एजेस से थिन रहनी चाहिए, नहीं तो एजेस मोटी रहेंगी तो मोमोज कच्चा लगेगा, तो इसका ध्यान रखिए। तो यहाँ मैं आपको एक फर्स्ट तरीका बताऊँगी मोमोज को फोल्ड करने का। तो उसके लिए स्टफिंग रख देंगे बीच में हम। और फिर क्या करेंगे, अगर आपको पानी लगाना है तो आप पानी भी लगा सकते हो। सबसे बेसिक हम सबसे पहले बनाएंगे, तो क्या करेंगे, ऐसे प्लेट्स को बनाएंगे हम। बनाते हुए जो प्लेट्स है उसको पीछे ढकेल देंगे। ऐसे करते हुए पूरे मोमोज में हम यही प्लेट्स बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको 4 तरीके के मोमोज को फोल्ड करना बता रही हूँ, आपको जो सा इजी लगे आप उस तरीके से फोल्ड कर सकते हो। और ये एंड का ऐसे पिंच कर देंगे। तो ये हमारा पहला मोमोज रेडी है और अब हम सेकेंड मोमोज बनाएंगे अलग डिज़ाइन से। तो इसके लिए भी हम स्टफिंग रखेंगे सबसे पहले। और फिर क्या करेंगे, जैसे हमने पहले प्लेट्स बनाई वैसे ही बनाएंगे, पर पूरे मोमोज में नहीं, पूरी मोमो की शीट में नहीं बनाएंगे, आधी शीट में हम ऐसे फॉलो करेंगे प्लेट्स बनाना। तो हमने इसको इतना किया, थोड़ा सा छोड़ दिया और अब इतना हम लेंगे और ऐसे प्लेट्स वाली साइड से ऐसे पिंच कर देंगे। ये देखिए तो ये हमारा मोमोज रेडी हो गया। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं आपको थर्ड डिज़ाइन दिखाऊंगी। तो उसके लिए भी क्या करेंगे, स्टफिंग रख देंगे और फिर जो मोमो शीट है उसका 1/3 पोर्शन ऐसे लेंगे और ऐसे पिंच कर देंगे। और यही चीज़ हम बाकी के 3 साइड्स ऐसे बनाएंगे। तो ये ऐसे लीजिए और ऐसे पिंच करके सील कर दीजिए। तो ये हमारा एक मोमो रेडी है, एक और डिज़ाइन का रेडी हो गया। अब फोर्थ एंड लास्ट डिज़ाइन, स्टफिंग रखेंगे और क्या करेंगे, यहाँ एक साइड पे ऐसे एक पिंच लगाएंगे और फिर 3 ऐसी प्लेट्स बनाएंगे और फिर इन्हें जेंटली आगे की तरफ पुश करते हुए दबा देंगे और फिर इंडेक्स फिंगर और थंब की मदद से ऐसे प्लीट्स बनाएंगे। और जो एंड है उसमें जो थोड़ा सा मैदा बचता है उसे हम हटा देंगे और एंड को सील कर देंगे। तो ये हमारा चौथा मोमो भी रेडी है। तो
तो ये देखिए यहाँ हमने चार तरीके के मोमो की डिज़ाइन बनाई है, आपको जो सा इजी लगे आप वो बना सकते हैं। एक बार मैं आपको सारे मोमोज का क्लोजअप दिखाऊंगी। ये देखिए, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला जो कि थोड़ा थोड़ा समोसे जैसा दिखता है, और ये फोर्थ वाला। तो ये चार तरीके से मैंने मोमोज बना लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने इंडक्शन ऑन कर दिया है पानी बॉईल करने के लिए। मैं इंडक्शन में बनाती हूँ तो 8 मिनट में तैयार हो जाते हैं, और गैस पे आप बनाओगे तो 12 से 15 मिनट में मोमोज पक जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 10 मोमोज बना लिए हैं। अब हम इनको इस स्टीमर में प्लेस कर देंगे एक एक करके, थोड़ा थोड़ा गैप करके रखेंगे क्योंकि इसमें हमने बेकिंग सोडा डाला है तो वो हल्का सा फूलता है, इसलिए स्पेस बना के रखना होगा थोड़ा थोड़ा। तो ये हमने सारे मोमोज रख दिए हैं और इन्हें प्लेट से कवर करके हम 10 मिनट स्टीम करने देंगे। 8 मिनट स्टीम करेंगे और फिर हम चेक करेंगे, अगर मोमोज कच्चे लगेंगे तो हम और स्टीम करेंगे, और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पता करें कि मोमोज कुक हो गए हैं कि नहीं, बाद में आप वीडियो में देखेंगे। तो हमारे मोमोज 8 मिनट से पक रहे हैं, तो अब हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। तो प्लेट हटाते हैं, ये देखिए इन मोमो में शाइन आ गई है, तो ये मोमोज रेडी हैं। ये देखिए, अगर ऐसी शाइन नहीं आई हो तो मतलब मोमोज अभी और पकेंगे। तो ये हमारे मोमोज एकदम रेडी हैं, तो अब हम इनकी प्लेट में निकाल लेंगे। जो पत्ता गोभी के पत्ते, उन्हें हटाने की ज़रूरत नहीं, उन्हीं पत्तों में हम दोबारा से मोमोज लगा देंगे। तो ऐसे मोमोज लगा दिए सारे, तो ये सारे मोमोज लगा दिए। अब हम इन्हें कवर कर देंगे, इन्हें भी 8 से 10 मिनट ऐसे ही कुक करेंगे। तो जब तक हम अपने बचे हुए मोमोज की प्लेटिंग करेंगे। तो ये देखिए, मैंने अपने मोमोज को मोमोज चटनी के साथ सर्व किया है, देखिए कितने अच्छे बने हैं। ये थोड़े से गर्म है तो मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ एक बार, और आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं, जिसे चटनी में डिप करेंगे और टेस्ट करेंगे। बहुत गर्म है, बहुत ही अच्छे बने, और देखिए एकदम थिन है, बहुत ही मज़ेदार है। एक बाइट ऑफ, बहुत ही यम्मी बने हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी आज की मोमोज की रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय। तो बने हैं ना ये मोमोज एकदम स्ट्रीट स्टाइल।